हाय एंजल्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंजल चांस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैंने ब्लैक आउटफिट के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। तो चलिए मेकअप शुरू करते हैं। तो मेकअप शुरू करने से पहले हम स्किन केयर करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर टोनर लिया है। उसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे किया है और फिर उसको पैड ड्राई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ लेनेज का लिप बाम लिया है। उसके बाद उसको अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गार्नियर का मॉइस्चराइजर लिया है। उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाव स्किन साइंस का ही सनस्क्रीन लिया है। ये सनस्क्रीन विद सीरम है, इसलिए मैंने आज कोई फिर सीरम अप्लाई नहीं किया है। सनस्क्रीन को यहाँ पर अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट लिया है और उस आईब्रो किट की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है इन द शेड मीडियम टोनी और उसको अपने आईलिड एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। दोनों आईलिड पर कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है डैबिंग मोशन में ही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट से अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेसेस कैनेडा का जेल काजल लिया है इन द शेड ब्लैक और उसको अपनी जहाँ पर हम आईलाइनर लगाते हैं वहाँ पर उसको अच्छे से लगा के और मैं उसी जो काजल में ही एक स्मजर दिया हुआ है उसी से मैं अच्छे से स्मज कर लूँगी और उसको स्मज करते हुए अपनी ऊपर तक क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे तक जाऊँगी। हमें क्रीज लाइन तक नहीं लेके जाना है, क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके मतलब क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे ही उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, ऊपर तक नहीं जाना है हमें। जेल लाइनर जब भी यूज़ करें स्मोकी आइज मेकअप के लिए तो मतलब एक साथ दोनों आँखों में मेकअप मत कीजिए, पहले एक आँख का कंप्लीट कीजिए फिर दूसरी आँख का कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जेल लाइनर है तो ये अप्लाई करने के बाद तुरंत ही ड्राई होने लगता है इसको, इसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होता है। अगर इसको हम लगा के छोड़ देंगे एक आँख में और दूसरी आँख में अप्लाई करने लगेंगे तो इतनी देर में जो फर्स्ट आँख वाला हमारा होगा काजल वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट लिया और उसमें से ये थोड़ा सा ब्राउन थोड़ा सा बरगंडी ब्राउन कलर है उसको अपनी क्रीज पे अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसके इस काजल के साथ। उसको उस कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं उसी पैलेट से थोड़ा बिल्कुल लाइट कलर लेके उसको अपनी अपने ट्रांजिशन एरिया पे जहाँ पर हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे और आपस में इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ब्लेंडिंग ब्रश से। तो मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा दूसरी आईज़ का भी मेकअप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने सेम काजल को ही अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से उस कलर को अच्छे से स्मज कर दूंगी।
फिर उसके बाद जिस कलर को हमने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था उसी कलर को हम नीचे काजल के साथ स्मज कर देंगे, ताकि जो हमने काजल अप्लाई किया है वो स्मज आउट ना हो। उसके बाद जो हमने लाइट कलर लिया था उसको भी अप्लाई करेंगे अच्छे से अपनी वाटर लाइन पे। उसके बाद एक नैपकिन की हेल्प से हम अपने आईज़ के जो एरिया होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिर गया हो, लग गया हो, वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेकअप रिल्यूशन का रोज़ गोल्ड पैलेट लिया है, उसमें से एक गोल्डन शेड लेके उसको अपनी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ निक्स का मस्कारा लिया है, ये एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, और उसको अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशेज भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा आई लैशेज अप्लाई कर ली थी, और अब मैंने यहाँ पर लैक्मी एब्सोल्यूट का आईलाइनर लिया है, जिसको मैं सिर्फ अपने जो आई लैशेज हैं उनके बैंड छुपाने के लिए मैं आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी मैं कोई विविंग लाइनर वगैरह कुछ भी ऐसा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपने फॉल्स लैसेज लगाई हैं तो आप सिर्फ आईलाइनर जो वहाँ जहाँ पर उसका बैंड होता है वहाँ वहाँ तक अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैंने वापस से उसी नैपकिन से अपना आई एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक का प्राइमर लिया है और उसको अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैक का फाउंडेशन लिया है इन द शेड 3.0, और उसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को जब भी ब्लेंड करें तो उसको अपनी हेयर लाइन के अंदर तक लेके जाएं, ताकि वो बिल्कुल मिक्स हो जाए हमारे फेस पे, ये ना लगे कि हाँ आपने कुछ लगाया हुआ है, अपने मेकअप या कुछ फाउंडेशन वगैरह यूज़ किया है। तो उसको जब भी मतलब फाउंडेशन लगाए उसको अच्छे से ब्लेंड करें और अपनी हेयर लाइन के अंदर तक लेके जाएं, और अपने ईयर्स अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है और उसको अपने अंडर आइज एरिया और अपने नोज़ मतलब ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने फोरहेड और अराउंड माउथ जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ पर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और जब भी हम ऐसा कोई स्मोकी आइज मेकअप लुक करते हैं तो हमें अंडर आइज बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन करनी होती हैं, तब मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आता है। कंसीलर अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
के बाद मैंने यहाँ पर फेसेस कैनेडा का HD कॉम्पैक्ट लिया है और उसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा कंसीलर और मेरा फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और वो क्रीज ना करे। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर का फेस पैलेट लिया है और इसके जो कॉन्टोरिंग शेड है उसको लेके मैं अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। और इसके बाद एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज को कॉन्टोर करूँगी। उसके बाद सेम ब्रश से मैं अपने लिप्स को कॉन्टोर करूँगी और एक फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कुछ भी हार्श ना दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबलिन का फेस पैलेट लिया है जिसमें से जो ब्लश शेड है उसको लेके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर डार्क आईज मेकअप किया है तो मैं अपने फेस को बिल्कुल न्यूट्रल रखूँगी, कुछ भी बहुत ज़्यादा हाई मतलब जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हैवी ब्लश होता है वो नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही न्यूट्रल रखूँगी। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है इन द शेड आई थिंक रोज गोल्ड है, उसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है। मैंने हाइलाइटर को अपनी चीक बोन्स, अपने फोरहेड, ब्रो बोन अंडर द ब्रो एंड अपने नोज एरिया और अपनी इनर कॉर्नर। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर लिया है इन द शेड चेस्टनट और उसको उससे अपने लिप्स को आउटलाइन करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक ली है इन द शेड गिव मी मौका। लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर लिया है और उसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से डैप डैप कर लूँगी ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा और मेकअप मेरा अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक जिसको मैंने गोल्डन बैंगल्स और झुमकीस के साथ कम्प्लीट किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये मेकअप लुक इंडियन आउटफिट्स के साथ करना चाहते हैं तो भी कैरी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की ड्रेस के साथ बिंदी भी लगाई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।